नमस्कार दोस्तों, हमारी किचन में आपका स्वागत है। और आज हम बनाने जा रहे हैं ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। जन्माष्टमी आने वाली है और लड्डू गोपाल भी आने वाले हैं, इसलिए लड्डू गोपाल के भोग के लिए हमने ये ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाए हैं। और दूसरा, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके दिमाग को तेज करने के लिए भी ये लड्डू बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ सामग्री ली है, जैसे कि बादाम, काजू, अखरोट, खरबूजे के बीज और किशमिश एवं पिसा हुआ नारियल। लड्डू बनाने के लिए हमने यहाँ पर देसी खांड ली है, जो कि कलर में पीली होती है परंतु बहुत ही फायदेमंद होती है। और उसमें डालने के लिए पानी भी लिया है। इसके लिए हम चाशनी को गैस पर चढ़ा देंगे। जब तक ये चाशनी बनकर रेडी होती है, हम दूसरी गैस पर ड्राई फ्रूट्सों को भून लेंगे। यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स भूनने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में देसी घी डालेंगे, जो कि हमने कम मात्रा में ही लिया है। उसके बाद हम इसमें मखानों को डालकर भून लेंगे। इसी प्रकार बारी बारी से सारे ड्राई फ्रूट्सों को भी भून लेंगे। यहाँ पर हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स भुनकर तैयार हो चुके हैं। और अब इधर चाशनी भी बनने वाली है। इसमें मैं 2-3 इलायची कूटकर डाल दूँगी और इसमें 5-7 केसर के धागे भी पानी में भिगोकर डाल दूँगी। जब तक ये चाशनी और अच्छी तरीके से बनती है, हम इन ड्राई फ्रूट्सों को हल्का दरदरा खल्लड़ के द्वारा कूट लेंगे। इधर ये ड्राई फ्रूट्स भी हल्के से दरदरे कूट चुके हैं और हम दूसरी तरफ चाशनी को भी देख लेते हैं। यहाँ पर ये चाशनी भी बन चुकी है। हमने यहाँ पर ये चाशनी लगभग 2 तारों वाली ली है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स को डालकर चला लेंगे। इसके बाद हम नारियल का बुरादा भी डालकर इसको अच्छी तरीके से चला लेंगे। यहाँ पर हमने इसे अच्छी तरीके से चला लिया है और इसे थोड़ा सा ठंडा करने के बाद इसके गोल गोल लड्डू बना लेंगे। यहाँ पर ये लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। आप भी इसे अपने घर पर ट्राई कीजिएगा और
हमें कमेंट करके बताना कि आपको ये लड्डू कैसे लगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।